इंडिया के घरेलू क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत हो गई है। दिलीप ट्रॉफी में चार टीमों के बीच मुकाबला चल रहा है और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों पर टीम इंडिया के सिलेक्टर्स की नजरें हैं, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच के बाद ही बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान होना है। इसलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए जरूरी है कि वो दिलीप ट्रॉफी में अपना शानदार प्रदर्शन करें और टीम में अपनी जगह पक्की करें। दिलीप ट्रॉफी में कुछ खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी शुरुआत इस टूर्नामेंट में सही नहीं रही और खराब प्रदर्शन की वजह से उन पर खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो नाम। सबसे पहले नाम आता है टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का। अय्यर का बल्ला घरेलू सीजन में शांत रहा है। श्रेयस अय्यर ने बूची बाबू टूर्नामेंट में भी कोई बड़ी पारी नहीं खेली थी और दिलीप ट्रॉफी में भी वो फ्लॉप ही साबित हुए। अय्यर इंडिया डी की कप्तानी कर रहे हैं और उनकी टीम का मुकाबला इंडिया सी से हो रहा है और इस मुकाबले में अय्यर सस्ते में निपट गए। श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन की बात करें तो अय्यर ने 16 गेंदों में 9 रन बनाए जिसमें उन्होंने केवल एक चौका लगाया। अय्यर के खराब प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश सीरीज में उनको लेकर संकट ही मंडरा रहा है। अय्यर के बाद टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी शांत ही रहा। इंडिया बी से खेल रहे जायसवाल ने शुरुआत तो अच्छी करी लेकिन वो इस शुरुआत को लंबी पारी में नहीं बदल सके। इंडिया ए के खिलाफ जायसवाल के प्रदर्शन की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 59 गेंदों में 30 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 6 चौके जड़े। जायसवाल ने टेस्ट में तो टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि वो अपनी गलती से सीख लेके एक बड़ी पारी खेलेंगे। दिलीप ट्रॉफी में सबकी नजरें ऋषभ पंत पर भी हैं, क्योंकि इस स्टार खिलाड़ी ने इंजरी से वापसी करते हुए सीधे व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी की थी। पंत से उम्मीद थी कि वो अपने रेड बॉल क्रिकेट के अंदाज को दिखाएंगे लेकिन पंत भी अपने पहले दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। इंडिया ए के खिलाफ पंत के प्रदर्शन की बात करें तो ऋषभ पंत ने 10 गेंदों में 7 रन बनाए जिसमें उनके बल्ले से एक चौका निकला। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था, ऐसे में बांग्लादेश सीरीज में पंत की दावेदारी तो बनती है। पंत से जरूरी है कि वो दिलीप ट्रॉफी में भी अपने बल्ले से कमाल दिखाए। पंत के बाद नंबर आता है टीम इंडिया के यंग स्टार खिलाड़ी सरफराज खान की। सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से तूफान मचाया था जिस वजह से उनका डेब्यू इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हुआ था। सरफराज ने टीम इंडिया में डेब्यू के बाद घरेलू क्रिकेट में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। इंडिया ए के खिलाफ सरफराज भी सस्ते में ही निपट गए। सरफराज खान ने 35 गेंदों पे 9 रन बनाए। सरफराज खान के लिए जरूरी है कि वो घरेलू क्रिकेट में रन बनाए नहीं तो उनकी इंडियन टीम में जगह नहीं बनेगी, जिसकी वजह टीम इंडिया में जोरदार कंपटीशन है। सिलेक्टर्स की नजरें सीएसके स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पर भी है क्योंकि इस खिलाड़ी के पास तीनों फॉर्मेट में खेलने की काबिलियत है लेकिन इस स्टार खिलाड़ी ने भी निराश ही किया है। दिलीप ट्रॉफी में गायकवाड़ इंडिया सी की कप्तानी कर रहे हैं लेकिन इस मैच में वो भी फ्लॉप साबित हुए। गायकवाड़ के प्रदर्शन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 19 गेंदों में 5 रन बनाए जिसमें उन्होंने एक चौका लगाया। गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में मिल रहे मौकों को भुना नहीं पा रहे हैं, ऐसे में को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना मुश्किल ही होता जा रहा है। दिलीप ट्रॉफी के पहले दिन तो टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों ने निराश ही किया है। उम्मीद है कि आगे ये खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाएंगे।